ये सब जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम मुंबई में आकर जिन्होंने किया है उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। वो बिश्नोई गैंग हो या कोई अंडरवर्ल्ड का कोई भी गैंग हो, किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, और उसमें मुंबई पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है और एक यूपी का है, एक हरियाणा का है, और तीसरा आरोपी फरार है जो उसको पुलिस की टीमें हमारी अरेस्ट करने के लिए उनको सब जगह भेजी है। वो जल्दी उस अरेस्ट हो जाएगा और ये सब जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम मुंबई में आकर जिन्होंने किया है उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। वो बिश्नोई गैंग हो या कोई अंडरवर्ल्ड का कोई भी गैंग हो, किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई करेंगे और कड़ी सजा देंगे। कई लोगों को जो धमकियां मिल रही है उनके सुरक्षा का भी सवाल है। वो जिनको धमकियां मिल रहे हैं उनका सुरक्षा, उनकी सुरक्षा का पूरी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार पूरी तरह वो जिम्मेदारी निभाएगी।
मैं क्या करूं लेकिन बाहर भी